अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ योर बॉडी मैकेनिक अरसलान खान और आप लोग देख रहे हैं अरसलान खान फिटनेस। आज टॉपिक में लोग बात करने वाले हैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रोटीन, क्या करता है, कितनी मकदार में चाहिए आपको, किन किन चीज़ों में आपको प्रोटीन मिल सकता है और आपको टाइमिंग क्या होनी चाहिए प्रोटीन लेने की। प्रोटीन करता क्या बॉडी के अंदर? प्रोटीन आपकी बॉडी के अंदर मसल टिश्यूज़ को रिपेयर करता है, आपके स्ट्रक्चर के लिए बहुत ज़रूरी है, आपकी बोन्स को जो है स्ट्रॉन्ग बनाता है। दूसरा, सेकेंड सोर्स ऑफ एनर्जी है, फर्स्ट सोर्स ऑफ एनर्जी कार्बोहाइड्रेट है। अगर आपकी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट की कैपेसिटी कम है या कार्बोहाइड्रेट आप कम ले रहे हैं, जैसे कि आप हाई प्रोटीन लो कार्ब डाइट पे हैं, तो आपकी बॉडी जो है प्रोटीन को एज ए एनर्जी सोर्स यूज़ करेगी। एक प्रोसेस इसको कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। प्रोटीन जो है, बॉडी जो है प्रोटीन को, अमाइनो एसिड्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है और आपको एज ए एनर्जी जो है आपको यूज़ करवाती है। तो प्रोटीन जो है आपके बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। अब प्रोटीन होता किन किन चीज़ों के अंदर है? जैसे कि एनिमल मीट है, चिकन में मिलेगा, टर्की में मिलेगा, रेड मीट में मिलेगा, मटन और बीफ के अंदर, टोफू में मिलेगा, फ्रूट्स में भी होता है कुछ मकदार के अंदर, दालों में अब आपको मिलेगा, और उसके बाद आपको वेजिटेबल्स में थोड़ा बहुत मिल जाएगा। लेकिन ये चीज़ें जो हैं ज़्यादातर आपको अब्जॉर्प्शन के लिए और रिकमेंडेशन के लिए और अमाइनो एसिड्स ज़्यादा जो होते हैं वो एनिमल मीट के अंदर होते हैं, तो आपको प्रोटीन जो है एनिमल मीट से लेना है। दूसरा, प्रोटीन क्या करता है? प्रोटीन एनाबॉलिक प्रोसेसेस को तेज़ करता है हमारी बॉडी के अंदर। एनाबॉलिक प्रोसेसेस क्या होते हैं? मसल बिल्डिंग, जब आपकी बॉडी ग्रो कर रही होती है उसको एनाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं। जैसे कि आपकी मसल बिल्डिंग है, आपके बोन्स बिल्डिंग है, आपका स्ट्रक्चर बड़ा हो रहा है, आप ग्रो कर रहे हैं, उसको एनाबॉलिक कहते हैं। तो प्रोटीन जो है वो एनाबॉलिक प्रोसेस को हिट करता है। दूसरी बात, प्रोटीन लेना कितना है, कितनी मकदार में लेना है, वो डिपेंड करता है आपके फिटनेस गोल के ऊपर। आपका फिटनेस गोल क्या है? आपने मसल बिल्डिंग करनी है, आपने फैट लॉस करना है, या आपने मेंटेन करना है, या आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, आप जिम नहीं जाते, आप इनएक्टिव लाइफस्टाइल है आपका, आप कोई वर्कआउट नहीं करते, तो प्रोटीन की जो आपकी कंजम्पशन है, जो रिक्वायरमेंट है वो कम है। अगर आपका गोल है कि आपने मसल बिल्डिंग करनी है या आपने मेंटेन रखना है डिपेंडिंग ऑन योर बॉडी वेट, आपको उस तरह बॉडी की प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। अच्छा, अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप जज कर सकते हैं कि आपकी बॉडी की प्रोटीन रिक्वायरमेंट कितनी है। आपने क्या करना है कि अगर तो आपका लाइफस्टाइल जो है वो सेडेंटरी है या आप इनएक्टिव हैं, ज़्यादा आप जिम वगैरह नहीं करते, तो आपने क्या करना है कि अपने बॉडी वेट को 1 से मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे कि अगर 80 आपका बॉडी वेट है तो 1 × 80 ग्राम प्रोटीन आपकी रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ कम से कम आपको 100 ग्राम्स प्रोटीन तो आपको लेना ही चाहिए, लेकिन ये मिनिमम जो है वो 80 ग्राम्स आपको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट आपकी है। उसके बाद अगर आपने मसल बिल्डिंग करनी है या आपने मसल मास गेन करना, तो आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट इससे बढ़ जाएगी। वो 1.5 से 2 तक आप मल्टीप्लाई करेंगे अपने बॉडी वेट को, तो आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट अगर 80 kg आपका बॉडी वेट है तो 160 या 150 ग्राम जो प्रोटीन जो है आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। अच्छा, तो ये चीज़ है, आपने प्रोटीन लेना कब है। जैसे कि प्रोटीन की लेने की टाइमिंग होती है वर्कआउट के फौरन बाद, और वर्कआउट से पहले भी आप ले सकते हैं, मॉर्निंग में उठने के बाद रिकमेंड होता है प्रोटीन, और रात में सोने से पहले, क्योंकि अगर आप रात में सोने से पहले अगर आप कुछ प्रोटीन ले लेंगे, दूध ले लेंगे, या आजकल वो स्लो डाइजेस्टिव प्रोटीन पाउडर होता है, कैसीन पाउडर होता है, वो अगर आप ले लेंगे तो बॉडी आहिस्ता आहिस्ता उसको प्रोटीन को यूज़ करती रहेगी, क्योंकि वो स्लो डाइजेस्टिव होगा और आपकी बॉडी एनाबॉलिक में रहेगी, आपकी बॉडी ग्रो करती रहेगी व्हाइल यू स्लीप। तो मॉर्निंग में प्रोटीन रिकमेंडेड होता है, वर्कआउट से पहले ले लें, क्योंकि अगर आप वर्कआउट से पहले तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों ही रिकमेंडेड होते हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट आपको एनर्जी देगा, प्रोटीन भी आपको मसल बिल्डिंग में या अमाइनो एसिड्स अगर बॉडी में कम होते हैं तो बॉडी यूज़ कर सकती है। और वर्कआउट के फौरन बाद तकरीबन 30 मिनट्स के अंदर अंदर आपको प्रोटीन लाजमी लेना होता है, फास्ट डाइजेस्टिव प्रोटीन, क्योंकि आपके बॉडी के जो मसल टिश्यूज़ हैं वो टियर हुए होते हैं, उनको रिकवर करने के लिए, रिकवरी के लिए, रिपेयर करने के लिए प्रोटीन की बहुत ज़रूरत होती है। तो ये थी मेरी वीडियो प्रोटीन के ऊपर, जो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है। इंशाल्लाह हम और इस पर बात किया करेंगे आगे आने वाले फ्यूचर में। टिल देन लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह ने कहा।